अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जी चौधरी नसीर साहब के भट्ठे पे, आरफ वाला से साहिवा रोड पे 12 किलोमीटर पे भट्ठा है अड्डा कमीर के पास। तो ये जिगजैग पैटर्न में चला रहे हैं, काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं, तो मैंने कहा चले एक विज़िट कर लें। तो भट्ठे के ऊपर आप आ गए हैं जी, हम 23-24 रदे चला रहे हैं। भट्ठा गुलाई में है मगर इसमें बराई जो है ना वो जिगजैग ही है। इस वक्त आग गुलाई में ही है, ये देख लें जी जिगजैग पैटर्न में ही है। ओ छोटे भाई आवा चुके खामी बाबू ये चेक कर लें, बढ़िया काम है। अब हम चलते हैं जी पीछे। अस्ताद जी मिस्त्री साहब केड़े ने? अच्छा हाँ जी कीना जी अपना इकबाल। अच्छा भाई इकबाल थोड़ा उच्ची बोलो, एक किनिया लेना चुकते जे सदाई दे विच, किनिया चुकते पए जे जिगजैग चकते पए जे सदाई दे विच? 6 चकते पए जे। हां जी अच्छा डेली दिया 6 हुंदियां पईयां? हां जी किनिया घंटियां दिया 6 लेना जी। 6 लेना ते ए बंदे किवें चलदे, किन्ने किन्ने घंटे चलदे जे? 6-6 घंटे जी, 6 घंटे इक टीम रात, 6 घंटे दिन। 6-6 ये बंदा एक चलता है? बंदा दो जी, दो तो चलदे वैसे रेस्ट कर लेंदे विच, एक बंदा घंटी ला रहा है इक इत्थे। आ देखो एक आदमी, यानी बंदे कुल 4 चलदे आ ते 6-6 घंटे दे उना रख्या होया, रख्या होया सही हो गया। एक आदमी काम कर रहा है एक बैठा है जी। मैं समझ गया जी। ते ए टप किन्ने लगदे पए जे कोले दे तुहाडे, किन्ने लगदे पए जे टप? दो टप ते 10 ड्रमियां लगदे इस, ए 12 घंटे च? दो टप तकरीबन इहदे नाल जी 14.5 घंटे पै जांदे ने जी, 12 दी टप, दो टप ते 12 ड्रमियां, 10 ड्रमियां जी, 10 ड्रमियां ये जो भर देंदे जे 12 घंटे सुकून नाल निकल जांदे आ, मतलब इहनां नाल तीन लाइनां तुहाडियां कड़ियां, तीन लाइनां हुंदियां? हां जी 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 तीन ही हुंदियां ना? हां जी हां जी सही हो गया ते ठीक हो गया। तो चलो जी शुक्रिया, हूँ तक वे जी। तो अब हम चलते हैं जी टक साइड पे, ब्लोर इन्होंने डबल बनाया हुआ है, चिमनी भी बहुत प्यारी बनाई हुई है, जरा चेक करे, हाँ बड़ी डिजाइनदार चिमनी है। ये स्टैंड बाई ब्लोर है, अभी इसको मोटर वगैरह फिट नहीं की, तो अच्छा जी ये चेक कर लें जी। साथ पीटर भी रखा हुआ है, मोटर देखते हैं जी कौन सी है। थ्री फेज ही मोटर है, इन्वर्टर बहुत हैवी लगाया है, हालांकि इतने बड़े इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती। 33 पे चल रहा है तकरीबन, इस वक्त जो चक्कर होंगे ना मेरे ख्याल के मुताबिक ये 200 से ऊपर होंगे, 200 से ऊपर, क्योंकि इसको सेंसर वगैरह तो लगा नहीं है, तो 200 आरपीएम से ज़्यादा ही चल रहे हैं। ये चेक कर लें जी। अब हम चलते हैं जी टक पे, नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको कोला भी चेक करवा देता हूँ। तो कोयला भाई हैदराबाद का मंगवा रहे हैं, मैंने इनसे पूछा है, उतरना कितों इतने हैगी जगह यार, ये बहुत पथेटिक है, बहुत ही बेकार इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं, सीढ़ियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, हालांकि भट्ठा तो काफ़ी अच्छा बना है, इसको लंबी बनाना चाहिए था। चलें जी छोड़ें जी ये जाने और इनका काम जाने। तो ये भाई कोला है, हैदराबाद का कोला है, इस वक्त इसका रेट मेरे ख्याल के मुताबिक 17,000 के लगभग इनको टन पड़ रहा है, इसमें किराया वगैरह भी शामिल है। तो उसके बाद चलते हैं जी टक साइड पे, ये इनकी निकासी है जी। ना जी बिल्ली भी हीट, सर्दियों के मज़े ले रही है। तो ये टक है जी, ठीक है काम, बाकी ऊपर जो है ना इधर दो दो रदे इस साइड पे, ये ज़रा कमज़ोर हैं,
बाकी कच्ची वगैरह भी नहीं है। करीब से आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा, पीछे ना कच्ची वगैरह भी नहीं है और इतने ना खिंगर वगैरह भी नहीं है, ये चेक कर लें। ये सारा सीन है जी। जी तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।